गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, माय नेम दिलशाद बानो। स्टूडेंट, हम आपको आज इस्म की तारीफ के बारे में पढ़ाएंगे। इस्म क्या है? इस्म वो कलमा है जिससे किसी शख्स, चीज या जगह का नाम मालूम हो, जैसे अरहम, कुर्सी, अमरोहा वगैरह। इसको ध्यान से समझें और लिखें अपनी नोटबुक पर। स्टूडेंट, मैं आज आपको सबक नंबर 3 आपका पेड़ पौधों की दुनिया के बारे में लिखवाऊंगी। सबक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब इसको ध्यान से देखिए। इसमें नंबर 1 पर आता है आपका पहले इमला। इमले में पहला नंबर है पेड़, दूसरे नंबर पर है अहम, तीसरे नंबर पर है जीना, चौथे नंबर पर है जमीन, पांचवें नंबर पर है मक्का, छठे नंबर पर है दाल, सातवें पर है चावल, आठवें पर है फल, नवें पर है ताकत और दसवें नंबर पर है दवा। इस इमले को आप अपने पेरेंट्स से बुलवाकर अपनी नोटबुक पर करेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके सवालों जवाब। सवालों जवाब में सवाल नंबर पहला है, क्या पौधों के बगैर हमारा जीना मुश्किल है? जवाब, हाँ, पौधों के बगैर हमारा जीना मुश्किल है। सवाल नंबर 2 है आपका, क्या हम पौधों के सभी हिस्सों को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं? जवाब, हाँ, हम पौधों के सभी हिस्सों को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 3 है आपका, जंगल से हमें क्या फायदे हैं? जवाब है, जहाँ जंगल ज्यादा होंगे वहां बारिश ज्यादा होगी। सवाल नंबर 4 है आपका, पेड़ पौधों की कमी से बारिश और जमीन पर क्या असर होगा? जवाब है, जमीन बंजर हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। तो बच्चों, ये आपका सवाल जवाब पूरे हो गए हैं। अब आप अपनी नोटबुक पर इस वर्क को लिखिए और होमवर्क जो है वो बुक वर्क सर्च कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।